बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में जंगली पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो चलिए देखते हैं कि आज की रेसिपी के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। आज की रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे वो ये हैं कि मैंने चिकन लिया है, ये हाफ के जी से थोड़ा ज्यादा है मेरे पास, ये विद बोन था, आपने इसको बोनलेस लेना है। मैंने इसको लाइट सा एक बॉईल दिया है, आपने बगैर बॉईल के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जंगली पुलाव बनाने के लिए हमने कच्चा चिकन ही इस्तेमाल करना है। हाफ कप जो है वो मैंने बंद गोभी ली है, ये देखें, ये इस तरह मैंने इसको लंबा लंबा जो है वो बारीक बारीक चॉप कर ली है। इसके साथ मैंने शिमला मिर्च ली है एक नॉर्मल साइज की, और उसको भी मैंने चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से। एक अदद मैंने गाजर लिया और उसको भी मैंने लंबा लंबा चॉप कर लिया है। एक कप मैंने मटर लिए हैं, एक मैंने प्याज ली है। इसके साथ हम एक अदद अंडा लेंगे, मोटी कुटी हुई जिसे हम दादड़ी हुई सुर्ख मिर्च कहते हैं, वो मैंने आधा चम्मच लिया है। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है, आपने इसको हसबे जायका इस्तेमाल करना है। हाफ टेबल स्पून मैंने काली मिर्च का लिया है। आधा चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला लिया है। इसके साथ हमने आधा चम्मच जीरा पाउडर लिया है। यहां पे मैं इमली इस्तेमाल कर रही हूं बिल्कुल थोड़ी सी। इसके साथ हमने हाफ टेबल स्पून जो है वो सूखा धनिया पाउडर लेना है। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें आपके सामने चिकन नजर आ रहा होगा जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, आपने इसको एक छोटी बोटी की सूरत में इस तरह से क्यूब फॉर्म में कर लेना है, चाहे तो आप इनको रेजा रेजा कर सकते हैं ऐसे ऐसे, वो आप एक श्रेड कर लें इनको, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको एज इट इज बोटी की सूरत में जो है वो छोटे छोटे क्यूब्स में आपने ये कर लेना है। इस तरह से आपने चिकन को जो है वो पीसेस कर लेने, चाहे तो आप इस तरह क्यूब फॉर्म्स में भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो चलिए आज की हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने आज पैन का इस्तेमाल किया है, कढ़ाई ली है। अब कढ़ाई के अंदर हम मैंने एक पैन ले लिया, पैन के अंदर अब मैं हाफ कप जो है वो ऑयल शामिल करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने पैन में ऑयल ले लिया। अब ऑयल लेने के बाद हमने श्रेड किया हुआ जो चिकन था अपना वो ऐड कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं इसको भून रही हूं, एक से दो मिनट हमने इसको भूनना है दरमियानी आंच पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सके कि चिकन जो है वो श्रेड हुआ हुआ है। अब साथ ही हमने इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स जो थी वो ऐड करते जाना है। यहाँ पर मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और मटर ऐड कर देंगे, साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसको भूनेंगे। सारी वेजिटेबल्स को हमने एक मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छा, अब इस स्टेज पर मैं आपको बता दूं, मैंने मटर गाजर और शिमला मिर्च ऐड किया जस्ट, इसके अलावा बंद गोभी है वो हम बिल्कुल लास्ट पर ऐड करेंगे, और जो हमने प्याज लिया उसको भी लास्ट पर ऐड करेंगे बिल्कुल दम के करीब जाकर। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात को और ख्याल रखना है कि हमने जो सब्जियां उनको बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना, इनका हल्का सा कच्चापन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। तो अब एक मिनट हो चुका है इनको फ्राई किए हुए, अब हम इसके अंदर सारे स्पाइस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले सुर्ख मिर्च मोटी कुटी हुई, नमक, काली मिर्च, साबुत गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही हम यहाँ पर इमली ऐड कर देंगे।
इसको तकरीबन हमने हाफ मिनट या वन मिनट के करीब जो है वो फ्राई करना है। अब मेरे पास जो है वो डेढ़ गिलास चावल है, आधा किलो चावल है, तो मैं अपने गिलास के हिसाब से जो मेजरमेंट होती है उसके हिसाब से पानी ऐड करूंगी। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ढाई गिलास जो है वो पानी ऐड करने वाली हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने आप इसके अंदर पानी ऐड कर दिया और ये मैंने ढाई गिलास जो है इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको ढांक कर रखेंगे। नमक हम दोबारा से चावलों के हिसाब से चख कर इसके अंदर शामिल करेंगे। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, एक बॉयल आने तक हम इसको पकाएंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्यूअर्स, मैंने हाफ केजी जो है वो राइस लेकर उनको साफ करके 15 मिनट पहले ही भिगोकर रख लिया था। अब जस्ट हम इनको क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो पानी था वो पकने लग गया है। अब जो हमने चावलों का नमक ऐड करना है वो स्टेज पर हम चख कर ऐड करेंगे। यहाँ पर हम एक चम्मच भरकर जो है वो मैं नमक ऐड कर दूंगी, आपने इसको अपने टेस्ट के मुताबिक चेक करना है। अब मैं इसके अंदर चावल जो है वो शामिल करूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चावल इसके अंदर अब डाल दिए हैं, नमक मैंने चख कर इसके अंदर शामिल कर दिया था जैसा कि आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। अब मैं क्या करूंगी, इसको दोबारा पानी खुश्क होने तक ढांक कर रख दूंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब जल्दी से जो है हम अंडा फेंट लेते हैं और इसको तैयार करते हैं जब तक हमारे चावलों का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक अंडा लूंगी और थोड़ा सा चुटकी से भी कम इसके अंदर हम जर्दा रंग शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें बिल्कुल मैंने एक पिंच के करीब, एक चुटकी करीब मैंने जर्दा रंग ले लिया है। अब मैंने इसको अंडे में डाल दिया। अब मैं इसको बीट कर लूंगी हल्का सा। अपने टेस्ट के लिए मैं इसके अंदर काली मिर्च भी शामिल करूंगी और थोड़ा सा नमक भी। आप चाहें तो इसको एज इट इज भी बीट करके बना सकते हैं। ये मैंने एक चुटकी के करीब इसमें काली मिर्च भी शामिल कर ली है नमक के साथ। ये देखें इसका एक येलो येलो सा डार्क कलर जो है अंडे का वो तैयार हो गया है। अब जिस तरह हम सादा प्लेन अंडा फ्राई करते हैं सेम एज इट इज हम इसको तवे पर बना लेंगे और फिर इसके क्यूब्स कर देंगे, इसको छोटे श्रेड कर देंगे या टुकड़ों में काट देंगे अंडे को। तो चलिए अब अंडा बना लेते हैं। अच्छा ये देखें व्यूअर्स, अब हम बनाने लग गए हैं अंडा। अंडे के लिए हमने तवे का इस्तेमाल किया है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। अब मैं बस उतना ही ऑयल डालूंगी जिसमें हमारा अंडा जो है वो अच्छे से पक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब अभी हम इसकी साइड तब चेंज करेंगे जब ये नीचे से अच्छे से पक जाएगा, तो फिर हम इसकी साइड दूसरी तरफ से चेंज कर देंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ही खूबसूरत और अच्छे से जो है हमारा अंडा वो पक चुका है। बस अब ये अंडा तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके छोटे छोटे पीसेस या क्यूब्स हमने कर लेने, इसको तोड़ लेना है। इस तरह मैं इसको कट्स लगा लूंगी। इस तरह से आपने अंडे के जो है वो टुकड़े कर लेने। ये देखें जी, हमारा अंडा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको कर दूंगी साइड पर और ठंडा होने के बाद चावलों पर हम सर्विंग के टाइम ऐड करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अभी मुकम्मल तौर पर इसके अंदर से पानी खुश्क नहीं हुआ। अब इस स्टेज पर जाकर हम इसके अंदर ये कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और यहीं पे जो है हम बंद गोभी इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसका क्रंच है वो बरकरार रहे और ये थोड़ी कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। अब मैं क्या करूंगी, इसको ढाम दूंगी और दम पर छोड़ दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए।
अब मैंने इसको दम पर रख दिया है। 2 से 3 मिनट बाद जैसे ही हमारे चावलों को दम आएगा तो हम इसके ऊपर एग जो है वो डालकर इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चावल हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं और इनको दम आ चुका है अच्छे से। जो चावल की कनी कनी है वो बिल्कुल ये देखें सेपरेट है, जुड़े हुए नहीं है। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइस को हमने डिश आउट कर लिया और लास्ट पर जैसा कि मैंने आपको कहा था हम इसके ऊपर एग से इसको सर्व करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसको एग को जो है इसके ऊपर डाल लेना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारी आज की जो डिश थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये देखने में इंतहाई खूबसूरत और खाने में उतना ही लजीज है। इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब भी किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।